सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अदीबा और वैसे तो आज मदर्स डे और सब लोग विश कर रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि माँ का कोई दिन नहीं होता है जिसके लिए हम किसी को विश करें, और यही वजह है कि मैं आज मम्मी पे और पेरेंट्स या किसी ऐसी चीज़ पे नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि माँ से ही, माँ की वजह से ही शायद मैं आज खड़ी हूँ। तो मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ एक दिन उनके लिए होता है, सारा दिन उनसे ही है। तो फिलहाल मैं शुरू करती हूँ कि मैं क्या लिखती हूँ और क्या नहीं लिखती हूँ, बस थोड़ा बहुत कुछ लिख लेती हूँ। सो शुरू करती हूँ। ये शिकायत है सबकी कि मैं बेवफाई पे नहीं लिखती, मैं सोचती हूँ मैं उनकी रुसवाई पे नहीं लिखती, और खुद से बुरा इस जमाने में कौन होगा, और मेरी आदत है मैं औरों की बुराई पे नहीं लिखती। और आगे लाइनें हैं कि और मेरी आदत है कि मैं औरों की बुराई पे नहीं लिखती, कुछ फितरतों की पसंद है और कुछ आदत से मजबूर हूँ, जख्म कितना भी गहरा हो मैं उसकी गहराई पे नहीं लिखती। दुनिया का क्या है, हर हाल में इल्जाम लगाती है, वरना ऐसा भी क्या कि मैं अपनी सफाई पे कुछ नहीं कहती। शाने अमीरी पे करना चाहती थी कुछ अर्ज आपसे, शाने अमीरी पे करना चाहती थी कुछ अर्ज आपसे, लेकिन कुछ रुकावट है मेरे उसूलों से कि मैं गुनाहों की कमाई पे नहीं लिखती। और आखिरी वो लाइनें हैं कि सीखा है सब कुछ बस तेरी मोहब्बत में, सीखा है सब कुछ बस तेरी मोहब्बत में, पर ज्यादा ना कुछ लिखने की वजह यह है कि मैं खुद अपने इश्क की तबाही पे नहीं लिखती। और अब मैं बात प्यार मोहब्बत की नहीं करूंगी, और ना ही बेवफाई की करूंगी, ना दिल टूटने की करूंगी। मैं बात करूंगी एक बीच के फेज का कि क्यों इतने डिफरेंसेस आ जाते हैं, क्यों फर्क आ जाते हैं रिश्तों में। तो फर्क बस इतना था मेरी और उसकी मोहब्बत में, फर्क बस इतना था मेरी और उसकी मोहब्बत में, मुझे अपनी कहानी का शौक था और उसको दूसरों की कहानी में, मुझे उसके साथ सफर का शौक था और उसे बस मंजिल की तलब में, मुझे लिखने का शौक था और उसे बस पढ़ने में, मुझे उसकी खुशी की ख्वाहिश थी और उसे दूसरों की लालसा, मुझे फर्क बताना था रिश्तों में और उसे फर्क दिखाना था रिश्तों में, मुझे हर वक्त फिक्र थी उसकी और उसे हमेशा औरों की। तो जब फर्क इतने थे तो फर्क होना था, मुझे उससे और उसे मुझसे अलग होना था। आगे मैंने लिखा है कि फर्क बस इतना था उसकी और मेरी मोहब्बत में, मुझे रिश्ता एक जोड़ने का धागा लगा और उसे रस्सी का एक बंधन, मुझे उसके साथ होने का गुरूर था और उसे अपने आप का गुरूर, मुझे उसके साथ जमीन पे चलने की तलब थी और आसमां छूने की लालसा, मुझे उसकी कमियां छुपाने का हुनर था और उसे मेरी खामियां दिखाने की आदत, मुझे समझ थी रिश्तों की, लोगों की और उसे बस अपने दोस्तों की, मुझे ख्वाहिश थी उसकी और उसको जरूरत थी किसी और चीज की। तो जब फर्क इतने थे तो फर्क होना था, मुझे उससे और उसे मुझसे अलग होना था। और आगे कुछ लाइनें और ये हैं कि फर्क इतना था बस मेरी और उसकी मोहब्बत में कि उसने हमेशा आज को चुना आने वाले कल को छोड़कर, मैंने उसे हमेशा चुना चाहे आज हो या कल, उसने कभी अहमियत नहीं दी जिंदगी में, मैंने सिर्फ उसे ही अहमियत दी अपनी जिंदगी में, उसने हर वक्त नजरअंदाज की आने वाले कल के इंतजार में, मैंने उसकी हमेशा कदर की अपने आज कल और कल, अपने कल आज और कल में, उसने समझा ही नहीं कभी मुझे इस दुनिया से अलग, मैंने उसको हमेशा अलग रखा इस दुनिया की नजर से। तो जब फर्क इतने थे तो फर्क होना था, उसे मुझसे और मुझे उससे अलग होना था। और बस इसी के साथ आखिरी में मैं कुछ जिंदगी के लिए बोलना चाहूंगी, क्योंकि ऑब्वियसली जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, और थोड़े से कुछ शब्दों में मैंने जिंदगी को समेटा है, कोशिश की है, बताइएगा जरूर कैसा लगा। कि तू गलत थी और रहेगी भी अदीबा, और ये दुनिया सही थी और रहेगी भी हमेशा, ये तो उसूले जिंदगी है अक्ष, ये तो उसूले जिंदगी है अक्ष, दूसरों को गलत साबित करता है हर शख्स, तमाम उम्र निकाल दे जो माँ बाप बच्चों के लिए, वो बच्चे भी कह देते हैं किया क्या है हमारे लिए, ये तो सच है कड़वा हर किसी की जिंदगी का, जितना चाहोगे उतना टूटोगे और जितना निकलना चाहा उतना डूबोगे, कमाल की बात तो ये है कि जो चाहिए वो इंतजार में खड़ा है, कमाल की बात ये है कि जो चाहिए वो इंतजार में खड़ा है, और जिसके लिए हम खड़े हैं वो तुम्हें चाहिए ही नहीं। और इसलिए बस आखिरी ये बोलना चाहूंगी
कि कदर कर लो उनकी जो तुम्हारे लिए हैं, जो तुम्हारी कदर करते हैं। इसलिए कदर कर लो उनकी जो करते हैं तुम्हारी कदर, क्योंकि ना लोग बदलेंगे ना दुनिया और ना हम। थैंक यू सो मच।